हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक हो? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक ठाक हो गया। यार एक्चुअली ना व्लॉग थोड़े से लेट हो रहे हैं। आई एम सॉरी बाबू। तो यार तुम लोगों को पता है आजकल बहुत हबस के दिन हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। और मैं इस टाइम भी जो है ना तकरीबन 6 बज रहे हैं, 6:15 हो रहे हैं, और इस टाइम भी जो है ना देखो पसीना आ रहा है और शदीद पसीना आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहा हूँ। कि यार मैंने आप लोगों से वादा किया था पिछले अपना वीडियो के अंदर कि यार अब व्लॉग नहीं छूटेगा। तो यार अभी तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करो ना यार। जैसा कि यार तुम लोगों को पता है कि ना मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि मैं तुम लोगों को बताऊँगा कि अपना अच्छा जी ठीक है जनाब, ले लिया आपको व्लॉग में। आप लोगों ने देखते हो व्लॉग मेरा, सब्सक्राइब किया हुआ है तो करते रहना है, ठीक है? मैं इंशाल्लाह अब डेली का व्लॉग डालूंगा। मैं तुम लोगों से वादा किया है कि मैं अब जो है ना वो अगर ना व्लॉग डालूं तो मेरे यहाँ से पकड़ना आगे, ठीक है? पकड़ना, अगर ना आया तो फिर पकड़ना। मस्त जोक मारा रे। अच्छा जी, तो सीन कुछ ऐसा है कि ना आज से 2 साल पहले हमने क्यों व्लॉगिंग छोड़ी, मैं जो हूँ आप लोगों को सारा डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। यार आप जारी बात है, आप लोग मेरे फैमिली मेंबर भी हो, सारा कुछ आप लोग मेरे लिए आप ही हो, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ कि अपना मैंने क्यों 2 साल पहले व्लॉगिंग छोड़ी। सीधी सीधी बात बताऊँ तो ना मुझे अब्बा जी ने कहा था छोड़ दो। मैंने कहा क्यों छोड़ दें? कहते कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा लोग जो बातें कर रहे हैं। मैंने कहा लोगों की बातों पे क्या करना? और कहते फिर भी मैंने छोड़ दी। मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी बात मानता हूँ। मैं 2 साल समझाता रहा उनको कि यार अब्बा जी कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, लोग कुछ नहीं कहते हैं, लोग 4 दिन बातें करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर उसके बाद सारा ठीक हो जाता है। गर्मी है, हबस है यार, हबस है। इतने हबस में भी वीडियो बन रही है तुम लोगों के लिए। तो ना बाद में ये कर रहा था कि 2 साल पहले जो है ना वो मैंने छोड़ दी व्लॉगिंग, फिर उसके बाद अब दोबारा कंटिन्यू इसलिए किया है क्योंकि मुझे अब्बा जी ने फाइनल इजाज़त दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू जी ने इजाज़त दे दी है कि यार महज तुम जाके व्लॉग करो और जाके जो है ना वो दोबारा से कंटिन्यू कर लो। मैं ठीक है, मैंने उसी दिन ही कैमरा पकड़ा, मैंने पहला व्लॉग बना के अपलोड कर दिया। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, मुझे इजाज़त मिल गई, मौजियाँ हो गई मेरी। और दूसरी बात ये है कि मेरी इंस्पायरेशन यार आप लोगों को पता ही है, मेरी इंस्पायरेशन जो है वो रजब भट्ट है। रजब भट्ट होने की वजह इसलिए है कि ना यार मैं और रजब भट्ट भाई जो है ना वो एक ही सोसाइटी में रहते होते थे, अपना एक्साइज एंड टैक्सेशन सोसाइटी में। वो उन्होंने मेरे से कोई महीना पहले, आज से महीना पहले जो 2 साल पहले मैं जब वो हम इकट्ठे रहते होते थे तो महीना पहले उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की और मैंने भी जो है ना महीना देख उनको देख के महीने बाद मैंने उनसे एक महीने बाद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जो है वो व्लॉगिंग छोड़ दी, लेकिन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू रखी, अल्लाह उनको और बरकतें दे। लेकिन आज वो जो है वो 2.5 मिलियन पे हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगर हम भी जो है वो काम करते रहे, मेहनत करते रहे तो हम भी पहुंचेंगे इंशाल्लाह। वो दिन दूर नहीं है, हम भी पहुंचेंगे आप लोगों के सपोर्ट के साथ, आप लोगों के बस वो जो लाल बटन है ना उसको नहीं छोड़ना, उसको तोड़ दो, दबाओ, इतना दबाओ कि वो टूट जाए, और ताकि तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिले जैसे महज भाई व्लॉग डालें आप लोगों को पहुँच जाए। खैर एनीवेज आज की ये स्टोरी है और आज का जो है ना वो टाइम भी मगरिब का हो रहा है, अंधेरे का टाइम हो रहा है। ये देख लो तुम लोग जो है वो अंधेरे का बिल्कुल टाइम हो रहा है, तो अभी मगरिब की नमाज वगैरह भी पढ़ने जाना है तो कर रहा हूँ। खैर एनीवेज तुम लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को नहीं दबाया तो यार दबाओ ना यार। किस मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, इस चीज़ का इंतजार है ताकि एज सून एज पॉसिबल हम जो है वो अपना चैनल ग्रो कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।